हेलो फ्रेंड्स, मेरे ट्यूटोरियल में आपको स्वागत है। आज हम एक अनारकली ड्रेस बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक साड़ी लिया, ये मेरा साड़ी है और इसमें बड़ा वाला एक बॉर्डर है। अनारकली में बॉर्डर थोड़ा बड़ा होने से अच्छा दिखता है, इसलिए मैंने ये वाला साड़ी लिया। ये थोड़ा सा नेट की जैसा दिख रहा है, तो इसके लिए मैंने दो लाइनिंग क्लॉथ लिया है। ये मेरा कॉटन का लाइनिंग क्लॉथ है, 2.5 इंच का, 2.5 मीटर का, और ये साटून का 2.5 मीटर का लाइनिंग क्लॉथ है। पहले हम टॉप पार्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने कॉटन का क्लॉथ को मैंने 4th फोल्ड किया और हाइट मैंने मेजरमेंट कर लिया। हाइट मेरा 14 है तो मैंने 14.5 पैक मार्क किया और वहीं से मैंने सोल्जर पैक मार्क करूँगी। सोल्जर मेरा 14 है तो इसका आधा मैंने 7 पे एक मार्क करूँगी, एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और इसके बाद मैंने नीचे डाउन एक 6.5 पे एक मार्क करूँगी, ये मेरा आर्म होल होगा। और इसके लिए और इसके बाद चेस्ट का मेजरमेंट करके, चेस्ट मेरा 36 है तो 9 पे एक मार्क करूँगी और 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो 12 पे एक मार्क करूँगी। आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 3.5 पे एक मार्क किया और यहाँ से मैंने एक गोलाई ले ली, ये मेरा आर्म होल हो गया। बैक का पार्ट का आर्म होल हो गया और फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 1/2 इंच डीप लूँगी, ये मेरा फ्रंट का पार्ट होगा। और उसके बाद कमर पे मेरा 30 तो 37.5 पे एक मार्क किया और मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया। ये मैंने प्रिंसेस कट बनाऊँगी तो इसके लिए मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया और 1 इंच मैंने बाद में इसका कटिंग कर दूंगी। ये एक लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा मार्जिन के लिए, और एक लाइन ड्रॉ किया, ये मेरा फिटिंग के लिए। और मैंने सोल्जर में एक 3 में एक मार्क किया, ये मेरा सोल्जर का गैप है। इसमें से एक मैंने गोलाई के लिए, फ्रंट के लिए मैंने 6 पे एक मार्क किया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया और एक बॉक्स बनाया। इसमें भी गोलाई दे दूंगी मैंने फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैंने 5 पैक मार्क करूंगी और वहां पे भी मैंने गोलाई दे दूंगी, ये मेरा बैक का पार्ट के लिए। अब मैं उसको कटिंग कर दूंगी। मैंने सोल्जर पे मार्क नहीं किया, मैंने सोल्जर पे 1/2 इंच तिरछा करूंगी। ये मेरा कटिंग हो गया, इसमें से मैंने बैक का पार्ट निकाल दूंगी। ये मैंने निकाल लिया बैक का पार्ट और जो 2 लाइनें बचे हुए मैंने उसका कटिंग कर दूंगी, ये मेरा फ्रंट का पार्ट हो जाएगा। ये देखो मैंने कटिंग कर लिया। प्रिंसेस कट बनाऊंगी तो कमर पे मैंने 4 पैक मार्क किया। और उसमें एक वहाँ पे भी मैंने एक 4 पे ऊपर से एक मार्क करूँगी। ये 2 पॉइंट मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींचूंगी, वो सीधा आर्म होल पे जाएगा और यहीं पे टैप को रखते हुए मैंने एक साइड मैंने 1 इंच पे मार्क किया और दूसरी साइड 1 इंच पे मार्क किया, इसलिए मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था। और ऊपर के वे में एक 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी, एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ये बीच का लाइन कट मत करते हुए, बीच का लाइन कटिंग नहीं करना है हमें और ये 2 लाइनें कटिंग करना है। ऐसे ही मैंने कटिंग कर लिया। अब मेरा टॉप का कटिंग हो गया। अब मैंने साड़ी लूँगी, साड़ी में से मैंने पार्ट सब निकालूँगी तो इसलिए मैंने पहले साड़ी का बॉर्डर जो है वो निकाल दूँगी, बड़ा वाला बॉर्डर निकाल दूँगी और छोटा वाला बॉर्डर भी निकाल दूँगी। ये देखो मैंने बॉर्डर निकाल लिए साड़ी में, ये बॉर्डर था, बॉर्डर निकाल लिया और छोटा वाला बॉर्डर भी निकाल लिया। ये पल्लू था,
पल्लू में से मैंने आगे का पार्ट्स निकाल लिया, ये मेरा बीच का पार्ट है और ये दो साइड्स का पार्ट है, तो इसमें मैंने बॉर्डर में से निकाल लिए। अब मैं साड़ी को पल्लू को ऐसे फोल्ड करूँगी, वो दो फ्लावर्स है ये बीच में आएगा, तो इसलिए मैंने साड़ी को ऐसे फोल्ड किया और 9 में एक मार्क किया। और मेरा हाइट आस्तीन का हाइट है, आस्तीन का हाइट के लिए मैंने 13 पे एक मार्क किया, वहीं पे भी मैंने 9 पे एक मार्क किया। और यहाँ से मैंने नीचे पे एक 9 पे 3 पे एक मार्क करूँगी और वहीं पे भी मैंने 3 पे एक मार्क करूँगी, वहीं से सीधा तक जाएगी और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे झुकेगी। और मोहरी पे मेजरमेंट करना है, मोहरी आस्तीन का मोहरी है 6.5, तो मैंने 6.5 पे एक मार्क करूँगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। ये लाइनें ऊपर तक जॉइन कर दूँगी और उसका कटिंग कर दूँगी। ये देखो मैंने कटिंग कर लिया और ये वाला पार्ट रखते हुए मैंने कॉटन पे भी कपड़े निकाल लिया। और अब मैं बॉडी को साड़ी का बॉडी को अच्छे से फोल्ड करूँगी। इसको पहले मैं डबल फोल्ड करूँगी। ये मेरा साड़ी डबल फोल्डेड है तो इसमें और एक फोल्ड डालूंगी। ये देखो ऐसा मैंने और एक फोल्ड डाल दिया, ये मेरा फोर्थ फोल्ड है। और इसके बाद फिर से मैंने एक फोल्ड करूंगी, ये मेरा 18 फोल्ड है। इसमें से हमें कलीस निकालनी है, सारी अनारकली का जो कलीस है इसमें ही निकालनी है, तो इसे अच्छे से फोल्ड करना पड़ेगा। और एक फोल्ड किया मैंने, ये मेरा 16 फोल्ड हो गया। बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे से फोल्ड करना पड़ता है, नहीं तो एक छोटा एक बड़ा वाला कली आ जाएगा। और किनारे पे मैंने 1.5 इंच पे एक मार्क किया और इसका दूसरी साइड भी रिवर्स में 1.5 इंच पे एक मार्क किया और दोनों पॉइंट को मैंने मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगी। ये एक स्लांटिंग लाइन की तरह आ जाएगा। ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब उसका मैंने कटिंग कर दूंगी। देखो मेरा कलीस आ गया, मेरा कलीस अच्छे से आ गया। एक साइड बड़ा वाला आएगा और दूसरी साइड छोटा सा आएगा। अब मैं इसका लाइनिंग को कटिंग करूँगी। लाइनिंग के लिए मैंने टॉप का पार्ट रखते हुए मैंने कमर का नाप लूँगी। ये मैंने कटिंग कर लिया, अब इसको रखते हुए मैंने लाइनिंग साटन के लाइनिंग क्लॉथ में भी मैंने कटिंग करूंगी। साटन का लाइनिंग क्लॉथ थोड़ा सा बड़ा लूंगी। मेन फैब्रिक जितना है उतना ही मेरा लाइनिंग साटन का लाइनिंग क्लॉथ होना चाहिए, क्योंकि मेरा मेन फैब्रिक मेरा नट का है, तो इसलिए मैंने मेन फैब्रिक जितना वो
साटन क्लॉथ भी उतना ही लेंथ लिया। ये देखो कटिंग करने के बाद ऐसा ही आता है। अब मैंने कटिंग हो गया, अब मैं स्टिचिंग करूँगी। तो पहले मैंने बैक का पार्ट का टॉप का बैक का पार्ट का स्टिचिंग करूँगी। इसके लिए मैंने कॉटन का लाइनिंग क्लॉथ छोड़ दिया, बाद में उसका स्टिचिंग करूँगी। तो पहले साटन का और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर दूँगी। ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया, ऐसे जॉइंट कर लिया। इसके बाद उसकी सीधी साइड, मेन क्लॉथ की सीधी साइड और मेरा लाइनिंग क्लॉथ के जॉइंट करूँगी। नेक पहले मैंने नेक को जॉइंट करते हुए और उसको मैंने फोल्ड कर दूँगी। ऐसे ही नेक फर्स्ट जॉइंट करूँगी, उसको फोल्ड करते हुए मैंने सारी जॉइंट कर दूँगी। ये देखो मैंने ऐसे जॉइंट कर लिया और मेरा नेक का पार्ट हो गया है कंप्लीट। और इसके बाद ये भी मैंने जॉइंट कर लिया सब। और उसके बाद मैंने फ्रंट का पार्ट के लिए पहले मैंने लाइनिंग क्लॉथ लूँगी। लाइनिंग क्लॉथ का जो 3 पीसेस है ये मैंने जॉइंट कर दूँगी। ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया और उसके बाद मैंने मेन फैब्रिक और एंड साटन का क्लॉथ का जॉइंट करूँगी। ये 3 पीसेस अलग अलग जॉइंट करूँगी, ऐसे ही जॉइंट करूँगी। जॉइंट कर लिया मैंने और उसके बाद मेरा जो पतला वाला बॉर्डर है उसको मैंने 2 साइड्स मैंने लाइनिंग दिया लेसेस ऐसे ऐसे पाइपिंग दिया मैंने। ये देखो ऐसे पाइपिंग दिया और एक ऐसे जॉइंट कर दूंगी मैं, ये तीनों जॉइंट कर दूंगी। ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया अब उसके बाद उसकी सीधी साइड एंड मेन लाइनिंग क्लॉथ की सीधी साइड दोनों मिलाते हुए मैंने नेक का पार्ट पहले बनाऊंगी और इसके बाद उसको पलटते हुए बैक के पार्ट के जैसा बनाऊंगी। अब मैंने आस्तीन को भी ऐसे ही जॉइंट करूंगी। पहले मैंने नीचे का लाइन ड्रॉप जॉइंट करूंगी, उसके बाद उसको पलटते हुए मैंने पूरी जॉइंट कर दूंगी। ये मेरा आस्तीन हो जाएगा, ऐसे ही जॉइंट करूंगी। ये देखो मेरा आस्तीन तैयार हो चुका है और इसके ऊपर मैंने छोटा सा बॉर्डर जॉइंट किया। साड़ी का जो ऊपर का बॉर्डर था उसमें यहीं पे यूज किया। और उसके बाद मैंने फ्रंट के पार्ट के लिए आस्तीन का फ्रंट का पार्ट के लिए मैंने 1/2 इंच डीप लूँगी और मेरे मेन टॉप के साथ इसको जॉइंट कर दूंगी। देखो ये मैंने ऐसे जॉइंट कर लिया, आस्तीन लगा लिया। और उसके बाद मैंने बैक का पार्ट का जो एक्स्ट्रा लिया था 1 इंच इसमें अब मैं उसको कटिंग कर दूंगी। दोनों पार्ट सेम रखूंगी। ये देखो मैंने कटिंग कर लिया। और उसके बाद मेरा मेजरमेंट के हिसाब से मैंने फिटिंग करके ये 2 जॉइंट कर दूंगी। ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया और नीचे 1 इंच छोड़ दी मैंने, वो मेरा बॉटम के साथ जॉइंट करने के लिए मैंने 1 इंच छोड़ दी 2 साइड्स। और बॉटम के लिए मैंने हमें गलीस को जॉइंट करना है पहले, आधा इसमें से आधा मैंने फ्रंट के लिए और आधा बैक के लिए मैंने जॉइंट करूंगी।
ये देखो ऐसा ही मैंने जॉइन कर लिया मैंने फ्रंट का पार्ट के लिए, और बैक का पार्ट के लिए भी मैंने जॉइन कर लिया। बॉटम के लिए मैंने पहले कॉटन का क्लॉथ रखूंगी और उसके ऊपर मैंने साटन का क्लॉथ रखूंगी और उसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक रखूंगी। ये तीनों मैंने जॉइंट कर दूंगी। ये तीनों मैंने देखो ये ऐसे जॉइंट कर लिया मैंने, और बैक का पार्ट भी बन के तैयार हो गया मेरा। और उसका अब मैंने उसको टॉप के पार्ट के साथ जॉइंट कर दूंगी। इसके लिए मैंने आधा इंच एक इंच छोड़ा था ऊपर, ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया। और उसके बाद ये मेरा मेन फैब्रिक है जो है बैक का और फ्रंट का मेन फैब्रिक के साथ मेन फैब्रिक जॉइन करूंगी, ऐसे अंदर जॉइन करूंगी उसको, और साटन क्लॉथ के साथ साटन क्लॉथ को जॉइन करूंगी एंड कॉटन क्लॉथ के साथ कॉटन क्लॉथ जॉइन करूंगी फ्रंट का बैक का। ये मैंने जॉइन कर लिया, देखो मैंने जॉइन कर लिया। और उसके बाद मैंने बॉर्डर अटैच करूंगी। बॉर्डर अटैच करने के लिए मैंने सीधी साइड सिलानी चाहिए। ये देखो मैंने बॉर्डर जॉइन कर लिया और उसका सीधी साइड मैंने जॉइन कर लिया। अब उसका बाद साड़ी का जो ऊपर का बॉर्डर था उसको मैंने ऐसे दो साइड्स फोल्ड करते हुए मैंने किनारे किनारे पे वो जो सिलाई है ऊपर की साइड दिख रहा था उसका ऊपर मैंने रखते हुए किनारे किनारे पे जॉइंट करूँगी। ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया, बॉर्डर थोड़ा अच्छा से आ गया। अगर आपको कुछ डाउट होता तो प्लीज़ मेरे कमेंट कीजिए। और ऐसा ही मैंने बॉर्डर एक ऊपर की जो जॉइंट है उसमें जॉइंट कर दूंगी। ये देखो मैंने जॉइंट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ऐसे ही मैं कुछ नया नया वीडियोस नया नया डिजाइन लेकर आऊँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।